जी दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ जी टर्किश रेस्टोरेंट पे। तो मैंने कहा आपसे शेयर करें, यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने हैं। टर्की लास्ट टाइम मैं गया था तो मैंने वहाँ पे वीडियोस काफ़ी बनाई थी, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सका, मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने सोचा कि चले आज टर्किश खाने यहाँ पे ट्राई करते हैं तो कैसे हैं, तो चले मेरे साथ देखते हैं, तो अंदर चलते हैं। तो मैनहट्टन में टर्किश रेस्टोरेंट है, तो चले अंदर देखते हैं कि क्या कुछ है। हेलो, इट्स 2%, only 2%. जी तो दोस्तों, आज मैं ये टर्किश रेस्टोरेंट पे आया हूँ, अभी ऑर्डर दूंगा। मैं ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ कि बंदा आए मेरे से ले, तो फिर दिखाते हैं क्या खाएंगे आज। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो है ना कबाब खाऊं, यहाँ के कबाब जो ना बहुत मशहूर हैं, टर्किश कबाब। तो ट्राई करेंगे विद राइस। ये जी अभी सिर्फ ब्रेड दिया और ऑलिव ऑयल है और सीजनिंग डाली है इसके अंदर, तो ये इसको ट्राई करेंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। ये जी जो ये ब्रेड है, ये सबको फ्री में दी जाती है टेस्ट के लिए, ट्राई करें कि कैसी है। ये जी ब्रेड सबके लिए फ्री में है और आप खा सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर डिप करें और खाएं। वाओ, बहुत फ्रेश है। ये ऑलिव ऑयल को ग्राइंड किया हुआ है और इसके अंदर ऑलिव ऑयल के अंदर मिक्स किया हुआ है, इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी है। ये जी मैं चिकन ट्राई करूंगा। बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टर्किश फूड ट्राई करूं, तो आज मैं ट्राई करूंगा। वाओ, बहुत टेस्टी है जी, विद राइस, वाइट राइस है। और ये कैबेज है, कैबेज भी ट्राई करेंगे। वाओ, ऑनियन विद सीजनिंग है, जिसको भी ट्राई करेंगे। ये जी टोमेटो ग्रिल किया हुआ है, जी लैम्ब एक ऑर्डर किया है, तो लैम्ब ट्राई करेंगे। ये दूसरे फूड जो मैंने मंगवाया था लैम्ब, तो लैम्ब ट्राई करेंगे। लैम्ब की खुशबू जो है जबरदस्त खुशबू है इसकी। बहुत ज्यादा खुशबू है जी। जबरदस्त जी, इसके साथ भी वाइट राइस है जो वह ट्राई करेंगे। देखें जी, इतना फ्रेश है, शायद आज तक जो अभी उसने बनाया और बना के सीधा इधर टेबल पे लेके आया। ये जी फाइनली मैं किचन में आया हूँ अभी, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सारे खाने बनते हैं टर्किश खाने। ये जी लैम्प है, ये चिकन शवारमा है। हेलो हेलो,
cabbage. Chicken or lamb, right? The chicken, the lamb. Okay. You're from Turkey, right? No, I'm Spanish. Oh, the Spanish, okay. Yes, oh, sorry. Oh. So you know is how to make it, right? The Turkish no, food. No, oh, the Turkish, okay. Yes, I'm at the grill. Okay, you just give it a grill. That's good. फाइनली मेरे पास ये जो है टर्किश कावा आ गया है तो इसको ट्राई करेंगे कि कैसा है इसके साथ आपको शुगर ये देखें शुगर आपको ऐसी शुगर मिलेगी जो कि आप डिप कर सकते हैं रेडी जी देखिए शुगर इसको आपको ऐसी मिलेगी इसको डिप कर सकते हैं और डिप करने के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं और सबसे बेस्ट है कि अगर आप ये हाथ ठंडे हैं आप गर्म कर सकते हैं वाओ बहुत अच्छा टेस्ट है जी जी थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ लास्ट ईयर मैं टर्किश एयरवेज पे गया था तो मैं वहाँ पे रुका तकरीबन 21 घंटे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँ लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो मुझे जाने नहीं दिया गया तो मेरे वो था शौक कि मैं ट्राई करूँ लेकिन यहाँ पे आया हूँ मैं ट्राई किया लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरी होपफुली मैं टर्की जाऊँगा और वहाँ पे अच्छे अच्छे खानों की वीडियोस बनाऊँगा और आपसे शेयर करूँगा लेकिन एंजॉय